असलम जी वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो कैसे हैं आप सब लोग आई होप्स हो so के सभी अच्छे होंगे आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए एक डायमंड ग्लो पाउडर की रेसिपी ये वाला पाउडर जो आप घर में बनाएंगे ना तो आप यकीन जानेंगे आपकी फुल बॉडी को इतने ज़बरदस्त तरीके से वाइट करेगा आपकी स्किन पर अगर रिंकल्स हैं डल स्किन है एजिंग का प्रॉब्लम है और आपकी स्किन के ऊपर किसी तरह की ग्लो नहीं है बढ़ती हुई उम्र की वजह से एजिंग स्पोर्ट्स बन चुके हैं और स्किन आपकी बिल्कुल भी शाइन नहीं कर रही तो आपने इसको बना लेना है बहुत ज़्यादा आसान है सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको बिना ख़र्चे के मिल जाएंगे लेकिन आपको महंगा ट्रीटमेंट जो आप पॉलर से करवाते हैं या फिर कहीं से भी करवाते हैं तो ये आपको उसकी टक्कर के फायदे देने वाला है आपने जी ले लेने हैं इस तरह से गुलाब के फूल चाहे तो आप ताज़ा फूल की पत्तियाँ भी ले सकते हैं लेकिन अगर के आपके पास ताज़ा फूल नहीं है तो फिर आप इस तरह के ड्राई जो फ़्लावर्स होते हैं रोज़ वो आप ले सकते हैं और इनको आपने जी पीस लेना है और इनका पाउडर बना लेना है ये आपको इजीली पंसार स्टोर से मिल जाते हैं और अगर आप बाज़ार का चक्कर लगा लें तो आप जी ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपके पाउडर को इतना खुदार बनाएंगे और इतनी अच्छी सी स्मेल आएगी ना कि आप देखिएगा जब आप इसको बनाएंगे नेक्स्ट जो चीज़ आपने लेनी है ये वाले ब्लैक सीड्स हैं जो कि आपको ईजिली पंसार स्टोर से मिल जाएंगे इस रेमिड का हीरो इन्ग्रीडियंट है ये आपके स्किन पर जितनी भी झुरियाँ आ जाती हैं स्किन डल हो जाती है और स्किन के ऊपर फाइन लाइन्स ती है इनको दूर करने के लिए स्किन को टाइट करने के लिए अपना सानी नहीं रखते तो ये कौन से सीड हैं जी ये है सरसों के सीड ब्लैक वाले आपने लेने हैं ये भी आपको पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएंगे और जादू जैसा काम करेंगे आपकी स्किन को टाइट करने के लिए स्किन के ऊपर ग्लो लेके आने के लिए स्किन पर से दाग डब्बे रिमूव करने के लिए और झुर्रियां और फाइन लाइंस तो ख़त्म करेंगे ही करेंगे साथ में आपने इनको पीसना है और इनका भी पाउडर बना लेना है अब जी हमने इस्तेमाल करना है यहाँ पर गुलाब की पत्तियों का पाउडर ये आपने ले लेना है जितनी भी चीज़ें आपने लेनी है ना सेम क्वांटिटी में आपने लेनी है ठीक है जी एक चम्मच के करीब जितना हमने इस्तेमाल करना है अगर आपने इसको ज़्यादा मकदार में बनाकर रखना है तो फिर आप इसकी क्वांटिटी को डबल करते जाएंगे दो दो चम्मच आपके लेंगे और एक ही बार बनाकर आप इसको रख लेंगे आप इसको नहाने से पहले अपनी पूरी बॉडी पर इस्तेमाल कर सकते हैं बीस मिनट आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसको लगाना है तो ये हमने ले लिया है जी ब्लैक सीड का पाउडर जो हमने पीस इस तरह का बना लिया था ये आपकी स्किन को टाइट करने के साथ साथ आपके स्किन को बहुत जबरदस्त यूथफुल लुक देने में बहुत ही कमाल की हैसियत रखते हैं तो नेक्स्ट आपने जो चीज यहाँ पर लेनी है जी वो है चंदन वुड पाउडर ये आपको इजीली पंसार स्टोर से मिल जाएगा स्किन को ठंडक पहुंचाने के लिए इससे बेहतर पाउडर कोई और हो नहीं सकता तो गर्मियों में आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी स्किन के ऊपर इतनी कूल इफ़ेक्ट देगा स्किन के ऊपर जितनी भी हाइपर पिगमेंटेशन होती है इसको दूर करने के लिए ज़बरदस्त है एक चम्मच के करीब आपने ले लेना है यहाँ पर गंदुम का आटा जो कि रोटियाँ बनाने के लिए हम आम तौर पर घर में इस्तेमाल करते हैं यकिन करेंगे स्किन को इतने खूबसूरत तरीके से मॉइस्चराइज करता है स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे देन आपको पता चलेगा एक चम्मच हमने ले लेना है यहाँ पर बेसन का बेसन स्किन की क्लीनिंग के लिए स्किन की पोर्स को साफ करने के लिए और स्किन को बहुत खूबसूरत तरीके से दाग तब्बों से पाक करने के लिए अपना सानी नहीं रखता यहां पर आपने ले लेनी है दाल मसूर यानी कि रेड दाल जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं उसको पीस के उसका पाउडर बना लेना है वाइटामिन सी का खजाना है ये वाली दाल ये आपकी स्किन के ऊपर ग्लो प्रोवाइड करती है स्किन के ऊपर से दाग धब्बों को दूर करती है और विटामिन सी प्रोवाइड करती है आपकी स्किन को इवन टोन लुक बनाती है आपकी और आपकी स्किन को गोरा करती है इसमें आपने डाल देना है एक चम्मच के करीब माल्टे के छिलके का पाउडर अगर आपके पास घर में माल्टे हैं उनको लीजिए उनको सुखाइए और आपने इस तरह से उनको पीस कर उनका पाउडर बना लेना है जो कि आपको साफ सुथरा भी मिलेगा और आपके जी स्किन के दाग धब्बों को दूर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त इंग्रीडियंट है इस तरह से आप अपनी रेमेडीज में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते रहिए तो यकीन जानें आपकी स्किन इतनी खूबसूरत तरीके से वाइट होगी टाइट होगी और ग्लो करेगी कि आपको कोई भी महंगे से महंगे क्रीम जो आप नाइट में इस्तेमाल करते हैं लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये सिंपल से इन्ग्रीडियंट है आपने इनको मिक्स किस तरह से करना है आपने जी ले लेना है कच्चा दूध अगर आपके पास बकरी का दूध है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं बेस्ट है स्किन को वाइट करने के हवाले से दाग धब्बों को दूर करने के लिए थोड़ा थोड़ा दूध हमने मिक्स करते जाना है अगर आप आपके पास आंबा हल्दी है यानी कि आपके पास किचन वाली हल्दी आपने इस्तेमाल नहीं करनी जंगली हल्दी का आपने इस्तेमाल करना है एक चम्मच आप वो भी डाल सकते हैं और इसमें जी आप बादाम का पाउडर भी डाल सकते हैं ये आपके पैक को मज़द इफेक्टिव बनाएगा मजीद पावरफुल बनाएगा और आप यकीन करें कि इससे बेहतर कोई चीज़ आपकी स्किन के लिए नहीं हो सकती क्योंकि ये घर में बनाई हुई सारी चीजें हैं इसमें आप चाहें तो मसूर की दाल और चने की दाल को पीसकर उनका पाउडर बना कर उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास बेसन नहीं है या फिर आपके पास पिसा हुआ मसूर दाल पाउडर नहीं है तो इन सारी चीज़ों को आप पिस कर घर में रख लिया कीजिए जब भी आपने कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है इस तरह की तो आपको इजीली मिल जाती हैं सारी चीज़ें आपके किचन में होती हैं खर्चा आपका ज़ीरो होगा लेकिन आप यकीन करें कि आपको महंगे से महंगे वाइटनिंग ट्रीटमेंट के आपको रिजल्ट मिलेंगे चंद बूंदे आपने इसमें फ्रेश लेमन जूस की ऐड कर देनी है जिनकी स्किन के ऊपर लेमन जूस जो सूट नहीं करता तो वो यहाँ पर टमाटर का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं अरके गुलाब इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पैक की मिक्सिंग के लिए आप दूध की जगह पर दही इस्तेमाल कर सकते हैं अरके गुलाब इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंपल पानी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी चीज़ आपको स्किन पर सूट करती है आप उसी को लीजिएगा और इसको बनाइएगा आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना यहाँ पर यह थोड़ा सा थिक हो गया था तो इसको थिन करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड किया है बिल्कुल इसी तरह से आपने इसकी कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना है कि एक क्रीम की तरह का आपने इसको बना लेना है जो कि आपकी स्किन के ऊपर अच्छी तरह से टिक सके इसको आपने भरकर अपने फेस के ऊपर अपनी नेक के ऊपर फुल बॉडी पर जहाँ भी चाहें आप इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं नहाने से पहले बीस मिनट आप इसको लगा लीजिएगा यकीन करें कि आपकी बॉडी जो है ना वो महक जाएगी इतनी जबरदस्त खुशबू आएगी इस पैक की आप इसको जहां भी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और हर तरह के एज के लोग जो है ना वो इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है टीन एजर्स लड़के लड़कियां सब इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसको आपने लगाकर बीस से पच्चीस मिनट के लिए छोड़ देना है और इसके बाद ये आपने अपने हाथों को हल्का सा गीला करना है और इसकी मसाज करनी है तकरीबन पांच मिनट के लिए आपने मसाज करनी है उसके बाद आपने सिंपल पानी से इसको वॉश कर देना है अगर यहां तक चुके हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस पर आपका किसी तरह का कोई खर्चा नहीं होने वाला और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करना भी मत भूला करें तो जी इस तरह से आपने इसको बनाना है लगाना है और अपना फीडबैक मेरे साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के थ्रू लाजमी शेयर करना है अब मैं आपको वॉश करके इसका रिज़ल्ट भी दिखा दूंगी यहाँ पर आपने कहना कि आपकी स्किन तो पहले से ही वाइट है तो किसी ब्लैक स्किन पर इसका इस्तेमाल करके दिखाइएगा तो प्लीज़ जी आप स्किन को मत देखा करें आप सिर्फ ट्रीटमेंट देखा करें जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसको आप फॉलो किया करें और फिर अपना फीडबैक मुझे दिया करें कि इसने वाकई आपकी स्किन पर वर्क किया है कि नहीं किया यकीन करें इसको वॉश करने के बाद आपको किसी भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्किन आपकी इतनी हाइड्रेट होगी इतनी खूबसूरत लगेगी इतनी ग्लो करेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा इसको आपने बनाना है और इस पैक को आप डेली बेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ अल्लाह हाफिज